सभी को राम राम दोस्तों। आज आपको हम जो है अपने फार्म के अंदर से विजिट करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप इसमें देखोगे कि ये हमारा कई लोगों की डाउट थे कि सरसों के भूसे में किस तरह की फ्रूटिंग आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ बैग जो हैं, ये सीजनल जो हमने सेड लगाया था उसके में से कंपोस्ट बचा था, तो हमारा एसी रूम कुछ खाली था तो वहाँ पर भर दिए थे। ये एक रैक हमने वहीं पर भर दी थी। तो दोस्तों आप इसमें हमारी फ्रूटिंग देख सकते हैं कि कैसी है, और जो है मैं पूरा फर्टिलाइज़र मेथड से अपना कंपोस्ट बनाता हूँ बिना चिकन मैन्यूर के। और ये पूरा का पूरा सरसों की तूड़ी का ही भूसा है, तो इसमें आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं। अगर किसी भाई को कोई डाउट है तो वो, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो कमेंट में भी पूछ सकता है। कमेंट करके हम आपकी आपकी सारी समस्या का जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप को क्लियरली देख रहा होगा कि कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप सारे काम तरीके से करते हैं तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। ये देखिए, अब मैं आपको और कुछ नीचे के बैगों पर कैमरा फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्रूटिंग कितनी ज़बरदस्त है। आमतौर पर अगर आप अपने सारे जो भी पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप फॉलो करके चलोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये दोस्तों हमारे पुराने बैग हैं जिनमें हमारे एसी फार्म के हुआ करते थे, इनमें ये अभी फ्रूटिंग चल रही है। अभी जो है हमें एसी रन नहीं करना पड़ रहा है तो हम इनमें से ले ही रहे हैं मटेरियल, क्योंकि अभी हमारे नेक्स्ट बुवाई में टाइम है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया पिनिंग जो है बन रही है। आपको ये भी हमारा जो है सरसों के भूसे का ही कंपोस्ट था। अगर आप हमें पिछली वीडियो के टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाजा भी होगा कि हमने सरसों के तूड़े का ही इसे बनाया था। ये देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन पिनिंग है और कितनी अच्छी फ्रूटिंग जो है इसके अंदर आ रही है। दोस्तों मशरूम की फार्मिंग में सबसे मेजर है कि आप अपने जो है पैरामीटर्स को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप अपने टेम्परेचर वगैरह को, ह्यूमिडिटी को पूरी तरह मेंटेन रखोगे तो आपको कभी भी कोई कैसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो क्या चले हुए हैं। ये दोस्तों देखिए, जो आप हमारा ये मीटर एक देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको 14.2 डिग्री सेल्सियस और 99% आपको ह्यूमिडिटी दिख रही होगी। इन्हीं के बेसिस पे पैरामीटर्स ही हैं जो आपके इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंपोस्ट किस तरह का बना रहे हैं और नाइट्रोजन वैल्यू क्या रख रहे हैं। नाइट्रोजन वैल्यू बड़ी मायने रखती है दोस्तों। अगर आपके कंपोस्ट में नाइट्रोजन वैल्यू सही नहीं है तो वो कभी भी सही फ्रूटिंग नहीं देगा। दोस्तों कई लोगों के डाउट थे कि आप पैकिंग किस तरह से करते हैं, तो ये मैंने एक छोटी वीडियो जो है इसके अंदर क्लिप एड ऑन करी है। ऐसे हम एक बड़ी टेबल पर धोने के बाद अपने मशरूम को डाल देते हैं सूखने के लिए, जिससे उसमें एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दोस्तों अगर किसी भाई ने धोने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम जो पॉलीथीन है उसके अंदर इनको भर रहे हैं, और ये मार्केट के हिसाब से 200 ग्राम की जो पैकिंग है वो हो जाएगी। दोस्तों जो हमारी ये पैकिंग का पॉलीथीन का साइज़ है, इसमें भी किसान भाई हमारी गलती करते हैं। ये हमारा साइज 6x8 का है और 80 GSM की ये पॉलीथीन है, जो इसमें ये ना तो बहुत ज़्यादा हल्की है ना बहुत ज़्यादा मोटी है, तो इनका जो क्वांटिटी है वो भी 1 किलो में ठीक ठाक चढ़ जाती है। दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, जैसा मैं आपको ये पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, आप मशरूम पैकिंग करते टाइम जो है पॉलीथीन के अंदर 2-3 छेद कर दें, जैसे मैंने पीछे करे हुए थे। उनसे क्या होता है कि आपके मशरूम को जो है एक एयर सर्कुलेशन मिल जाता है, और जो फॉग टाइप का पॉलीथीन के अंदर इकट्ठा होता है वो सब उसके अंदर नहीं होता है। दोस्तों ये हमारे
आप अगर कैमरा देख पा रहे हो तो आप देख पाओगे कि कितनी सही क्वालिटी की मशरूम है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप वीडियो में दी गई जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।